बिलासपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष व पूर्व सीपीएस व बर्चर विधानसभा के विधायक की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर मोदी सरकार का पुतला जलाया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बेरोजगारी पर घोटाले करने का आरोप लगाया है तथा उन्होंने प्रदेश सरकार व मोदी सरकार से युवाओं को 2 करोड़ नौकरी व रोजगार देने में विफल हुई है उसका आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों के लोगों को रोजगार दे रही है और हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमीरपुर लोकसभा चुनाव प्रभारी इंद्रदत्त लखनपाल ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी 6 वर्षों से देश को लूटता आ रहा है और आज इतनी महंगाई हो गई है कि दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान छू रही है और सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं कांग्रेस ने बिलासपुर के शहीद स्मारक के पास मोदी सरकार का पुतला जलाया। वहीं पुलिस दल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुतला न जलाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को लेकर धक्का मुक्की भी हुई। मंडी शहर में रेड़ी फड़ी यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। धरने पर उतरे रेड़ी फड़ी वालों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त मंडी ऋत्विक ठाकुर के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा। रेड़ी फड़ी यूनियन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार की अगुवाई में शहर में निकाली गई रैली के माध्यम से मांगे पूरी न होने पर रेड़ी फड़ी यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। साथ ही यूनियन ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 3 माह का अल्टीमेटम दे दिया। मांगे पूरी न होने की सूरत में रेड़ी फड़ी यूनियन ने प्रदेश सरकार को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। रैली को संबोधित करते हुए रेड़ी फड़ी यूनियन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार रेड़ी फड़ी यूनियन की मांगों पर गौर नहीं फरमा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आगामी 3 माह में रेड़ी फड़ी संचालकों को लाइसेंस व पहचान पत्र जारी करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग के द्वारा नशा वृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश का युवा इस नशे जैसी सामाजिक कुरीति से बच सके और अपनी ऊर्जा का उपयोग देश और प्रदेश के विकास के लिए कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी नशे का अवैध कारोबार कम होने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन चरस तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब मंडी पुलिस ने नशे के सौदागरों पर लगाम लगाने के लिए ग्राउंड लेवल पर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। जागरूकता अभियान के तहत ड्रग फ्री हिमाचल के अंतर्गत आम लोगों को इस ऐप की जानकारी दी जा रही है ताकि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्त बनाया जा सके। सर्दी के मौसम का आगाज हो चुका है और सर्दी के मौसम को देखते हुए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से दिन के समय हल्की धूप निकल रही थी और लोग दिन के समय धूप का सेवन कर रहे थे ताकि वे अपने आप को सर्दी से बचा सके। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सुबह से ही आसमान के घने बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। मंडी शहर के स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हल्की बारिश होने से मौसम काफी सुहावना हो गया है और ये बारिश किसानों और बागवानों के लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज सुबह से तेज बरसात और ठंडी हवाओं का दौर जारी है। हालांकि बरसात और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार रहा। काफी संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से माता के दर्शन के लिए पहुंचे और माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि तेज बरसात और ठंडी हवाओं के कारण श्री नैना देवी क्षेत्र में पूरी तरह से ठंड हो चुकी है और स्थानीय लोग दुकानदार ठंडी तेज हवाओं से परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में और भी ज्यादा ठंड होने वाली है।